श्री गुरु जी के चरणों की रज मिल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने नहीं, मुकुर माने होता दर्पण। मन रूपी जो दर्पण है, दर्पण धुंधला होता है ना, तो कुछ नजर नहीं आता है। हमारा मन रूपी दर्पण ही तो धुंधला है। कथा इसलिए तो सुन रहे हम कि हमारा मन रूपी दर्पण साफ हो जाए। अच्छा, जब दर्पण को साफ किया जाता है तो किसे किया जाता है? या तो भाई सूती कोई कपड़ा हो, या फिर सोगी हुई कोई धूल हो, राख हो, उसको डालो, सूती कपड़ा लो, रह सिर कर दो। तो हमारा ये मन है, ये दर्पण जैसा है, लेकिन दर्पण जैसा कब बनेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, अभी तो गंदा है। गुरु जी के चरणों की रज ले लो, और गुरु जी के चरणों की रज लेकर के मन रूपी जो गंदा दर्पण हो रहा है इसके ऊपर डालो और फिर रिगड़ो। वर्ण रघुवर विमल जस, फिर भगवान की कथा सुनो। भगवान का यश जो दायक फल चार, फिर उसे चार चीज प्राप्त होती हैं। कितनी? चार चीज क्या क्या प्राप्त होती हैं? गाड़ी मिलेगी, कोठी मिलेगी, ये मिलेगी, बेटा पोता मिलेगा ना ना। बोले और? बोले जो दायक फल चार, उसे चार चीज प्राप्त हो जाती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब ये चार चीज प्राप्त हो गई तो फिर शेष क्या रह गया? सर सब कुछ मिल गया जो संसार में है, और जो संसार में नहीं है वह भी मिल गया, और जो संसार में है वह भी मिल गया। किसकी कृपा से? बोले गुरुदेव की कृपा से। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। अब इससे आगे तुलसी बाबा आहा अब कथा लिख रहे हैं। जब ते व्याह राम घर आए, जब राम जी का विवाह हो गया है, चार चार बहु अयोध्या में आ गई महाराज। हे भवानी, तो नित नव मंगल मोद बधाई, बधाई बज रही है, मंगल गीत हो रहे हैं। और महाराज जब नई बहु आवे घर में, बड़ी खुशी होवे, मानो घर की एक एक ईंट प्रसन्न हो रही है। और पकवान बनते हैं कई दिनों तक, तो महाराज इतने पकवान बने, फिर गए भाई आप तो दाल फुल्का बना लो, थक गए पकवान खाते खाते। और महाराज एक और बात है भवानी, उधर अयोध्या की जनता से, अयोध्या के नागरिक से कोई पूछता था, कहो तुम्हारी कोई इच्छा है द्वारका प्रसाद जी? अयोध्या के नागरिक के पास में कोई आकर के पूछता था तुम्हारी कोई इच्छा है, तो क्या कहते थे पहले वो अयोध्या के नागरिक? हाँ महाराज एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हमारे राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े श्रेष्ठ राजा हैं, इनके कोई संतान नहीं है, सो इनको संतान हो जाए। आशीर्वाद दे दिया उस संत ने, संतान हो गई, एक नहीं चार चार पुत्र हो गए। और फिर कोई संत महात्मा आता पूछता, भैया अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ एक इच्छा है। बोले क्या? अपने लिए नहीं मांगते थे। बोले हमारी जो राजा दशरथ हैं, उनके जो चार पुत्र हुए हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाए। वह भी पूर्ण हो गई है। फिर किसी ने पूछा, किसी से पूछा, अब तुम्हारी इच्छा है कोई? बोले हाँ एक इच्छा है। बोले क्या? बोले जो हमारे राजा दशरथ के चार पुत्र हैं, इन चारों का विवाह हो जाए। विवाह हो गया, चार बहू आ गई। फिर कोई संत महात्मा आए, पूछा अयोध्या की जनता से, अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ एक इच्छा है। बोले क्या? बोले राम राजा बन जाए, राम राजा बन जाए। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि मानव की इच्छा बढ़ती रहती है, और ये इच्छा ही दुख की जननी है। दुख को जन्म देने वाली ये कामना ही इच्छा है। दुख को मिटाना है तो निरपेक्षता चाहिए। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती है ना, उतना दुख बढ़ता है।
अयोध्या वासियों की इच्छा है राम राज्य होना चाहिए। राजा दशरथ की भी इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए और संतों की भी इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए। पर संत के राम राज्य में और साधारण मानव के राम राज्य में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? साधारण मानव का राम राज्य कब माना जाता है? बोले मानव की हर इच्छा पूर्ण हो जाए, हर इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहेंगे पूछना भैया कैसा चल रहा तुम्हारा? अरे महाराज पूछो मत ना, राम राज्य है। हमारी तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाए तो हमारे लिए तुम्हारे लिए वह राम राज्य है। और संतों का राम राज्य नहीं है। बोले और? बोले संतों का राम राज्य कब है? बोले संतों की हर इच्छा का नाश हो जाए उनके लिए राम राज्य तब है। प्रहलाद जी की कथा आपने सुनी है। भगवान नरसिंह प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांग लो। भागवत जी में प्रहलाद कहते हैं, ना प्रभु यद राशि समी कामान वराजतम वरदर सभा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणीवरम। भागवत जी का श्लोक है सप्तम स्कंद का। प्रहलाद कहते हैं, महाराज मुझे कुछ देना चाहते तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे अंदर कभी मांगने की शक्ति ही ना जागे, मेरे अंदर मांगने का अंकुरण ही न फूटे। वास्तव में संत तो राम राज्य जब मानते हैं जब उनकी हर इच्छा का नाश हो जाता है। राजसभा राज समाज बैठा हुआ है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनकी दृष्टि पहुंच जाती है एक दर्पण की तरफ। क्योंकि समाज तो पहले भी लगता होगा, रोज लगता था दरबार, तो क्या पहले दर्पण के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी? क्या दर्पण वहां पहले से ही रखा था या आज ही रखा है? या तो पहले से रखा था तो दृष्टि किसी ना किसी दिन तो जानी चाहिए थी। एक बात है, सिर में सफेद बाल हो जाएं, हो सकता है ये नजला का रोग हो सकता है, वृद्धावस्था का प्रतीक नहीं है। दाढ़ी में सफेद बाल हो जाए ये वृद्धावस्था का प्रतीक नहीं है, लेकिन कान के बराबर श्वेत बाल हो जाए ये वृद्धावस्था का प्रतीक है, ये वृद्धावस्था का। और समझ फिर बदल जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, लेकिन हम उस समय संभलते नहीं है, नहीं संभलते। दर्पण देखने का मतलब है यहां अंतर दर्शन करना। दर्पण वर्पण कुछ नहीं था, राजा दशरथ ने अंतर दर्शन कर लिया। दो सब देखो विचार करना, एक है दशरथ एक है दशानन, ये समझने की बात है। एक है दशरथ एक है दशानन, दोनों का नाम एक अक्षर से है, एक राशि है मीन राशि है, और चार अक्षर हैं दशानन में भी और दशरथ में भी। पर रावण अंतर दर्शन नहीं करता, दशानन अंतर दर्शन नहीं करता है, वह पर दर्शन करता है। क्योंकि दशानन तो पराई नारी की सुंदरता का भूखा रहता है, पर दर्शन है। दशरथ अंतर दर्शन करता है और रावण पर दर्शन करता है, ये अंतर है दशरथ और दशानन में। कोई आपसे पूछता है दशरथ और दशानन में क्या अंतर है तो बताना कि दशरथ अंतर दर्शन करने वाला है और दशानन पर दर्शन करने वाला है, ये अंतर है। अब दशरथ ने सोचा, आहा ये बाल सफेद हो गया कान के बराबर, मनो जरटपन अशोपदेशा, यानी ये मुझे उपदेश दे रहा है, मैं पहले काला था राजा अब मैं श्वेत हो गया हूं, मैंने अपना रंग बदल लिया लेकिन तूने अपना ढंग नहीं बदला है।
मैंने तो अपना रंग बदल लिया, लेकिन तूने भी अपने जीवन का रंग अभी नहीं बदला है, तुझे बदल जाना चाहिए। महाराज, जो नहीं बदलता है फिर उसे दुख मिलता है। और ये कान के बराबर ही क्यों, मानो उपदेश दे रहा है श्वेतबाल। अच्छा एक बात है, कोई गुप्त बात करनी हो तो कान में तो करी जाए। डॉक्टर साहब आइयो, मैं तुम्हारे कान में एक बात बताऊं, कान में एक बात बताऊं। यानी गुप्त वार्ता जो है होती है वो कान में होती है, इसीलिए कान के बराबर जो श्वेत बाल है ये मानो हमारे तुम्हारे लिए गुप्त संदेश दे रहा है, गुप्त बातें बता रहा है, गुप्त वार्ता कर रहा है कि मैं बदल गया हूं, तू भी बदल गया, मैंने अपना रंग बदल लिया है, तू भी अपना रंग बदल ले। और एक और बात है, राष्ट्र हमारे राष्ट्र भारत का एक नियम है, राष्ट्रीय नियम है। क्या नियम है, युद्ध चल रहा हो, दोनों सेनाएं आपस में युद्ध स्थल में पहुंच गई, युद्ध हो रहा है, और बीच में आकर के कोई सफेद रंग का झंडा दिखा दे, क्या होगा, युद्ध विराम ले लेगा, युद्ध बंद हो जाता है। मानो ये सफेद रंग जो है ये निवृत्ति का प्रतीक है, सफेद रंग निवृत्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। 80 साल को डोगर रह गए हो, दौलत को, दौलत की महाराज ऐसे पकड़ करके चाबी को जेब में रख डाल करके रखता है, बुढ़ापा खराब हो जाता है। अरे जब बालक समझदार हो गए, योग्य हो गए, पोते हो गए, समझदार हो गए, चाबी थमा दो, भजन करो, ध्यान करो, कथा सुनो, संतों का संग करो, विद्वानों का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो। दशरथ ने सोचा कि निवृत्ति मार्ग अब मुझे अपना लेना चाहिए। दो मार्ग हैं, एक होता है निवृत्ति और एक होता है प्रवृत्ति। निवृत्ति त्याग का मार्ग है और प्रवृत्ति संसार का मार्ग है। निवृत्ति का मतलब है त्याग कर देना, त्याग देना। जो अपने अधिकार से चिपका रहता है, अपने पद से जो चिपका रहता है, उसका त्याग नहीं करता है ना, उसे वृद्धावस्था में सुख प्राप्त नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता, वृद्धावस्था खराब हो जाएगी उसकी। बस सोचा ये सफेद बाल मुझे उपदेश दे रहा है, अयोध्या की सत्ता अब मुझे बेटा राम को दे देनी चाहिए। संकल्प उठ गया, संकल्प उठा, बहुत अच्छा उठा, बहुत अच्छा संकल्प था। पर राजा दशरथ से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई, बोले वो विचार करने में लगे रहे, कर दूंगा राम को राजा बना दूंगा, अभी क्या जल्दी है, कर दूंगा बना दूंगा राम को राजा, विचार करने में लगे रहे। संकल्प तो अच्छा उठा लेकिन विचार करने में लगे रहे, इसलिए वह रामराज जो 14 वर्ष पहले आना था वह रामराज 14 वर्ष पीछे चला गया, नहीं तो रामराज 14 वर्ष पहले ही आ जाता।